पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुनिया ने कहा कि मंदी और तालाबंदी मौजूद सरकार की पहचान है। देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलना भी एक काम है। पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार वित्तीय आपातकाल की स्थिति निर्मित न करे और देश को विश्वास में लेकर काम करे। मंदी के कारण देश दिवालियापन हो गया है, दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। पुनिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश की वित्तीय स्वास्थ्य और आर्थिक स्थितियों दांव पर लगा दी है। भारत की वित्तीय आपातकाल की स्थिति में है और देश का निर्यात औंधे मुंह गिर गया है। पीएल पुनिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है, यह महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव परिणाम से जाहिर होता है। जीएसटी और नोटबंदी का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पुनिया के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाए वित्तीय संकट की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी सरकार वित्तीय आपातकाल में धकेलने की बजाय रोजी रोटी, व्यापार, कृषि को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए और देश को विश्वास में लेकर काम करे। बेरोजगार होने पर क्या युवा अपराध की ओर बढ़ रहे हैं? इस सवाल पर पीएल पुनिया ने कहा, यह कुछ हद तक सही हो सकता है। पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिल रहा कि ज्यादा पढ़े लिखों को ज्यादा बेरोजगार है, इसलिए वे गलत दिशा में जा सकते हैं। होने का मुझे मौका मिला है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर हमारे वरिष्ठ नेतागण अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में पहले भी आते रहे हैं। अलग अलग विषयों को ऊपर अपने विषय आप तक पहुंचाते रहे ताकि जनता के तक उसे पहुंचे। आज विशेष